जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक मतलब स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आज हमारी ये चौथी क्लास है। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। आज हम क्या करने वाले हैं, स्टैटिक जीके की चौथी क्लास करने वाले हैं। और ये जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ भाई, ये आपके भारत में होने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा लंबी ये क्लास नहीं होती है, मतलब 5 से 10 मिनट की मैक्सिमम क्लास होती है। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपका मतलब जो भी टॉपिक लें वो एकदम पक्का हो जाए। और सारे वो टॉपिक मैं करा रहा हूँ जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्रमुख खेल व खेल से रिलेटेड कुछ ट्रॉफी होती हैं। जैसे कि आपसे बोल देगा कि मतलब कोई भी मतलब आपको ट्रॉफी का नाम दे देगा, जैसे बता दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किससे रिलेटेड है, विंबलडन ओपन किससे रिलेटेड है, तो इस प्रकार की ट्रॉफी दे के आपसे पूछ लेगा कि ये किस खेल से रिलेटेड है। या फिर आपको खेल का नाम दे देगा कि इस खेल से निम्न में से कौन सी ट्रॉफी रिलेटेड है। तो इसी वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मैंने बहुत सारी जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो लिखे हैं। अगर किसी वर्ड को लिखने में कोई मिस्टेक मैंने कर दी है तो उसको आप मैनेज कर लेंगे, कमेंट करके ये ना बोलें कि भैया आपने गलत लिख दिया, ठीक है। हो सकता है लिखने में कोई गड़बड़ हो गई हो जल्दबाजी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने बिल्कुल सीक्वेंस से लिखा हुआ है। पहले जो हॉकी से रिलेटेड कुछ ट्रॉफी हैं, उसके बाद फुटबॉल से रिलेटेड कुछ ट्रॉफी हैं, उसके बाद टेनिस से रिलेटेड है, उसके बाद क्रिकेट से रिलेटेड है, उसके बाद गोल्फ से है, उसके बाद पोलो से है, उसके बाद वेट लिफ्टिंग से है, ठीक है। चलो अब हम बता देते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपको याद करना, अपनी कॉपी में नोट करना है, सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भाई बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहा हूं, ठीक है। अगर हम आगा खां कप की बात करते हैं, आगा खां कप किससे रिलेटेड है, आगा खां कप किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। सुल्तान अजलन शाह कप भी किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। और चैंपियंस ट्रॉफी, ये क्रिकेट में भी होती है लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी किससे है भाई, हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी भी किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। ध्यानचंद ट्रॉफी भी किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। अब बार बार बोलना है, आगा खां कप, सुल्तान अजलन शाह कप, इस प्रकार से बार बार बोल के अगर आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। आगा खां किससे रिलेटेड है, हॉकी से। इनको मिटा के फिर से मैं आपको लिख के दिखाऊंगा जिस तरीके से आपको रिकॉल करना है, जिस तरीके से मैं रिकॉल करूंगा, ठीक है। एक बार सभी को पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो आगा खां कप, सुल्तान अजलन शाह कप, चैंपियंस ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, सभी किससे हैं, हॉकी से रिलेटेड है। ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। उसके बाद फेडरेशन कप, डूरंड कप, फीफा कप, कोपा कप, यूरो कप, ये सारे जितने भी कप हैं, जितनी भी ट्रॉफी हैं, किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। आपको दिख रहे होंगे, बार बार बोलना है। फेडरेशन कप किससे रिलेटेड है भाई, फुटबॉल से रिलेटेड है। कोपा कप किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। फीफा कप किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। डूरंड कप किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। यूरो कप किससे है, फुटबॉल से रिलेटेड है। उसके बाद आता है डेविस कप। तो डेविस कप कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डेविस कप जो है किससे रिलेटेड है, तो ये लॉन टेनिस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, लॉन टेनिस से रिलेटेड है। इसी प्रकार से मतलब स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज मैं लेक्चर लाने के बाद में आपको बहुत सारी वीडियो दे दूंगा, और आपको जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको इनसे क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे, बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो डेविस कप किससे रिलेटेड है, लॉन टेनिस से रिलेटेड है। अभी आ जाते हैं यूएस ओपन, यूएस ओपन किससे है, टेनिस से। ऑस्ट्रेलिया ओपन किससे है, टेनिस से। विंबलडन ओपन किससे है, टेनिस से, ठीक है। फ्रेंच ओपन किससे है, टेनिस से। तो सारे मैंने एक साथ लिखे हुए हैं, चार ग्रैंड स्लैम है जो टेनिस से रिलेटेड होते हैं। इनके विजेताओं भी आप विजेता जो होते हैं वो भी आपको याद रखने जरूरी होते हैं, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो यूएस ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये किससे हैं भाई, टेनिस से रिलेटेड है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आगा खां कप किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। सुल्तान अजलन शाह कप भी हॉकी से रिलेटेड है। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड है। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड है। ध्यानचंद ट्रॉफी भी किससे है, हॉकी से रिलेटेड है। आपको अपनी कॉपी में लिख के बार बार इनका रिवीजन करना है। कोई भी ट्रिक आप याद मत करिए, क्योंकि ट्रिक जो होती है हमारे दिमाग में नहीं रहती है। जैसे कि आपने बचपन में कभी 10th क्लास में थे तब एक फिटकरी का एक फॉर्मूला आपने याद किया होगा कि K2SO4 * Al2SO4 का होल थ्राइज * 24H2O। तो और सभी फॉर्मूला आप भूल गए, ये नहीं भूलें क्योंकि ये आपने बार बार रिपीट किया था। तो जब तक आप बार बार चीजों को रिपीट नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में चीजें सेट नहीं होंगी, ठीक है। परमानेंट तभी सेव होती है जब आप उनको बार बार रिपीट करते हैं। लिख लिख के याद करिए, इनको लिखिए और इनके सामने अपना आप खुद से लिख डालिए कि किस किस के होते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो फेडरेशन कप, डूरंड कप, फीफा कप, कोपा कप, यूरो कप, सारे किससे हैं, फुटबॉल से रिलेटेड है। डेविस कप किससे है, लॉन टेनिस से रिलेटेड है। यूएस ओपन किससे है, टेनिस से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, सभी किससे हैं, टेनिस से रिलेटेड है। अब आ जाता है भाई आईसीसी वर्ल्ड कप, सभी को पता है आईसीसी वर्ल्ड कप किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी किससे है, क्रिकेट से रिलेटेड है। और रणजी ट्रॉफी भी किससे है, क्रिकेट से रिलेटेड है। उसके बाद दिलीप वेंगेशकर ट्रॉफी भी किससे है,
क्रिकेट से है, उसके बाद और भी बहुत ट्रॉफी रह गई हैं जैसे देवधर ट्रॉफी, और भी बहुत रह गई हैं, तो मैंने मतलब मैक्सिमम जो मतलब ज़्यादा पूछी जाती हैं वो लिखी हैं। अभी बहुत सारी ट्रॉफी और भी हैं हर खेल से रिलेटेड, लेकिन मैंने मैक्सिमम जो पूछी जाती हैं वो लिखी हैं। जैसे एसएज कप किससे रिलेटेड है, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। उसके बाद आ जाता है राइडर कप और बाकर कप, दोनों किससे हैं, गोल्फ से रिलेटेड है। राइडर कप और बाकर कप किससे रिलेटेड है भाई, गोल्फ से रिलेटेड है, गोल्फ से, मुझे भी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार रिपीट करना है, ठीक है। एजरा कप किससे रिलेटेड है, पोलो से रिलेटेड है। और वर्धमान किससे रिलेटेड है भाई, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। तो एक बार इनको फिर से रिपीट कराता हूँ, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस से है, फ्रेंच विंबलडन ओपन भी टेनिस से है, फ्रेंच ओपन टेनिस से है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये सभी क्रिकेट से हैं, ये सभी क्रिकेट से हैं, आपको याद रखने। एसएज कप क्रिकेट से है, राइडर और बाकर कप किससे हैं, गोल्फ से रिलेटेड है। अब मैं इनको रफ कर देता हूँ, अब आपको दिमाग में रिकॉल करना है, अब आपको अपने दिमाग में खुद से रिकॉल करना है, अब आपको अपने दिमाग में खुद से रिकॉल करना है, ठीक है। ऐसे ही अपनी को देखिए, आपने देखा आगा खां कप, सुल्तान अजलन शाह कप, चैंपियंस ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, आप सभी को समझ में आ गया ये सभी किससे रिलेटेड है भैया, ये सभी किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। भैया आपने बताया ये सभी किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड, और भी बहुत सारी ट्रॉफी हैं जो हॉकी से रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फेडरेशन कप, डूरेंट कप, फीफा कप, कोपा कप, यूरो कप, सारे कप किससे रिलेटेड है भैया, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है भैया, फुटबॉल से रिलेटेड है। आगे बात समझे, अब आपने दिमाग दौड़ाया भैया, ये जो डेविस कप है ये किससे रिलेटेड, डेविस कप किससे रिलेटेड है, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस, अरे बताया नहीं था, चलो ये किससे रिलेटेड है, लॉन टेनिस से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, लॉन टेनिस से रिलेटेड। यूएस ओपन किससे होता है, सिंपल टेनिस से रिलेटेड होता है। और उसके बाद ये तीनों भी किससे होते हैं, टेनिस से रिलेटेड होते हैं, ये किससे रिलेटेड होते हैं, टेनिस से। आईसीसी वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, रणजी ट्रॉफी, दिलीप वेलिंगेस्कर ट्रॉफी, एसएज ट्रॉफी, ये सभी किससे हैं, ये सभी क्रिकेट से हैं, ये सभी किससे हैं भैया, क्रिकेट से हैं, ठीक है। चलो राइडर कप और बाकर कप ये किससे रिलेटेड है भैया, गोल्फ से हैं, ये किससे रिलेटेड है भैया, गोल्फ से हैं। इजरा कप पोलो से है, वर्धमान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग से है। अरे हो गई ना याद, जितनी भी हमारी खेल है खेल से रिलेटेड ट्रॉफी थी, आपको याद हुई या नहीं हुई, अगर अभी भी याद नहीं हुई है तो कमेंट करके बता देना, एक बार और रिवीजन करा दूंगा। बाकी इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए भाई अच्छे से, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। स्टैटिक जीके की ये चौथी क्लास है, इससे पहले मैं 3 क्लास ले चुका हूँ, उनको भी आप लीजिए और अपनी नोट्स बनाइए प्रॉपर। अब दोस्तों मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।